देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अलोंग अ रोड लाइज ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स प्लेस्ड एट इंटरवल ऑफ 10 मीटर। दीज स्टोन हैव टू बी असेंबल्ड अराउंड द मिडिल स्टोन। मिडिल स्टोन होगा 10-10 मीटर पे स्टोन रखे हुए हैं। यहाँ पे एक पर्सन है, मिडिल स्टोन से वो कैरी कर रहा है, जैसे ये 10 मीटर या 10 मीटर की डिस्टेंस है। तो पहले स्टोन को लाके बीच में रखा, कितनी डिस्टेंस कवर की, 20। फिर दूसरे स्टोन को लाके रखा, 40। तो अगर हम एक साइड का देखें, टोटल डिस्टेंस कवर है 4.8 किलोमीटर। तो एक साइड कितना कवर किया होगा, 2.4 किलोमीटर। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ एन टर्म्स, एन बाई टू, 2a + 2 × 20, 20 मीटर की पहली डिस्टेंस, प्लस एन माइनस 1 × d, कॉमन डिफरेंस भी 20। पहले 20 मीटर, फिर 40 मीटर, फिर 60 मीटर। इससे एक साइड का निकल जाएगा, ये हो गया 20n + 10n² - 10n। टेन उड़ा देते हैं अपन सब में से, तो ये हो जाएगा n² + n - 240। यहाँ से इसके फैक्टर आ गए n + 16n - 15, एन की वैल्यू हो गई 50। एक साइड नंबर ऑफ स्टोन्स 15 थे, दूसरी साइड भी 15 होंगे, 30, और एक बीच वाला, तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स कितने हो गए हमारे पास, 31। सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, दोनों नॉन जीरो हैं, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म टू द सम ऑफ एन टर्म्स सक्सीडिंग देम डज नॉट डिपेंड ऑन एन। सम ऑफ एन टर्म्स कितना होगा, एन बाई टू, 2a + n - 1 × d। इसका रेशियो निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स सक्सीडिंग देम, उसके बाद के एन टर्म्स। तो उसके बाद के एन टर्म्स कौन से होंगे, a + nd, a + n + 1d। इन एन टर्म्स का सम कैसे लिखेंगे हम लोग, एन बाई टू, टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बोला है कि डज नॉट डिपेंड ऑन एन, है ना, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2a - d + nd / 2a - d + 2nd + nd, 3nd। अब या तो d जीरो ले लो, लेकिन उसने मना किया है कि d जीरो नहीं है। तो ये रेशियो अगर n पर डिपेंड नहीं कर रहा तो 2a = d होगा, 2a = d होगा, तो क्या होगा, ये जीरो हो गया, अपना रेशियो आ गया nd / 3nd, तो ये आ गया 1/3। तो रेशियो तो 1/3 हो गया, है ना। और a बाय d का रेशियो कितना है उस टाइम पे, a बाय d का रेशियो है अपने पास 1/2। तो a बाय टू डी 1/2 है, और वो जो रेशियो p है वो 1/3 है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, देखिए भाई, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द 9 नंबर्स गिवन इन द सेट, ये 9 नंबर है, 999 से लेकर 9999999, 9 बार होगा, 9 नंबर, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इन सब का सम डिवाइडेड बाय 9। इसे 9 डिजिट नंबर है, तो निकाल लेते 9 कॉमन आके कट गया, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1। अब जब सबको जोड़ेंगे, अब ऐसे ऐड कर लो आप, देखो लास्ट डिजिट में क्या मिलेगा, 1 1 1 1 1, 9 बार 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे। ऐसे जोड़ना है, अब ऐसे थोड़े ना जोड़ेंगे हम लोग, हमने तो ऐसे डायरेक्ट देख लिया, 1 1 1 1 1, 9 बार, 1 1 1 1, 8 बार 1 1 1, लास्ट में भी नंबर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कौन सा नंबर नहीं है, एन डज नॉट कंटेन द डिजिट, तो जीरो इसमें नहीं है, डज नॉट कंटेन जीरो, नंबर होगा ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इफ फॉर एन ए पी a1 a2 a3 an, एक ए पी है जिसमें a1 + a3 + a5 आपको दिया हुआ है 12 - 12, और a1 a2 a3 हमें दिया हुआ है 8, देन द वैल्यू ऑफ a2 + a4 + a6। तो सॉल्व कर लेते हैं इसमें हम लोग, a1 + a3, a + a + 2d
प्लस ए प्लस 4d कितना हो जाएगा ये, 3a प्लस 6d, 3 उड़ा दो तो ए प्लस 2d बराबर -4, एक इक्वेशन ये होगा। और a1 a2 a3, a प्लस बी ए प्लस 2d, ये है ए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d को तो -4 रख देता हूँ, ए प्लस 2d को अगर -4 रख देंगे तो ये हो जाएगा -4 -d, और ये -4 -2d, ये माइनस 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 उड़ा दो, 4 प्लस 2d 4 प्लस d, और ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2 प्लस d 4 प्लस d बराबर 1, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई कितना हो गया, d प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d, 8, 8 माइनस 1 7, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, अच्छा इधर माइनस आए तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया डी प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो डी की वैल्यू आ गई -3, इसको वहां रख देंगे तो ए हो जाएगा 2, ए 2 आ गया, डी -3 आ गया। अब आपको बताना ए 2, ए 2 कितना होगा, ए प्लस डी, ए 4 ए प्लस 3d, ए 6 ए प्लस 5d, तो ये हो गया 3a प्लस 9d, ये वैल्यू हमें चाहिए, तो 6 माइनस 27 माइनस 21 माइनस 21 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन एपी के कंसेप्ट से इजीली हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, गिवन अ सीक्वेंस ऑफ फोर नंबर्स, फर्स्ट थ्री ऑफ विच आर इन जीपी एंड द लास्ट थ्री आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6, इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस आर इक्वल देन द लास्ट टर्म, देखो पहला ए है फिर ये बीच में अपन इसको भी ए बोल दो, पहला और चौथा सेम है। अब इसने बोला फर्स्ट थ्री नंबर्स आर इन जीपी, लास्ट थ्री नंबर्स आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी को यूज करें, तो ये a है तो इसके पहले वाला क्या होगा, a माइनस 6, इसके पहले वाला a माइनस 12, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 6 कॉमन डिफरेंस में, तीन ही तो थे लास्ट थ्री, तो लास्ट थ्री टर्म्स हो गए हमारे पास। अब ये तीनों बोला है जीपी में, a माइनस 12 का स्क्वायर बराबर a इंटू ए माइनस 6, ए स्क्वायर माइनस 24 a प्लस 144, तो यहां से आ गया 18a बराबर 144, तो a कितना आ गया 8 आ गया, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम है जो 8 के बराबर, ठीक है भाई, तो ये हो गया, चेक कर सकते हो। अब 8 रखोगे इसमें तो ये पहले तीन जीपी में आएंगे, लास्ट के तीन एपी में, हमने माने ही थे 6 कॉमन डिफरेंस के साथ, ठीक है भाई। इफ जी बी द जीएम बिटवीन एक्स एंड वाई देन द वैल्यू ऑफ, तो जी अगर एक्स और वाई का जी एम है तो जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया है ना, कर दो सॉल्व इसको, क्या ये तो वन अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वन अपॉन वाई एक्स माइनस वाई, एक्स वाई एक्स माइनस वाई, ये हो गया माइनस वाई प्लस एक्स, एक्स माइनस वाई गया, वन अपॉन एक्स वाई आ गया जो कि है वन बाय जी स्क्वायर, वन बाय जी स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। इफ ए इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है समीशन एक्स टू दी पावर एन है, एन बराबर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक का समय, फिर बी बराबर सी बराबर, और मॉड एक्स मॉड वाई क्योंकि लेस देन वन है तो इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट करेगा, तो जैसे ए हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस आर, सिमिलरली बी हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस वाई, और सी हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब आपको एबीसी में रिलेशन पूछा है, तो यहाँ से ए बराबर वन अपॉन वन माइनस एक्स है, तो वन माइनस एक्स, एक्स कितना हो गया वन माइनस वन अपॉन, सिमिलरली वाई बराबर वन अपॉन वन वन माइनस सॉरी, जैसे हमने एक्स निकाल लिया वाई हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन, इसमें रख देते हैं एक्स और वाई को,
वन माइनस, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस वन, ए सी प्लस बी सी प्लस सी बराबर ए डी। ए सी प्लस बी सी बराबर माइनस, अच्छा इधर माइनस होगा ना, इधर माइनस होगा, ये ए प्लस बी माइनस वन आ गया, ये माइनस। ए बी प्लस सी बराबर ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी बराबर ए सी प्लस सी, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ए बी सी में रिलेशन है, एक्स और वाई निकाल कर कर सकते हैं। इफ आर इज ग्रेटर देन वन एंड एक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन, ये फिर से इनफाइनाइट जीपी हो गई। आर अगर वन से बड़ा है, वन अपॉन आर क्या हो जाएगा, वन से छोटा हो जाएगा। एक्स हो गया ए अपॉन वन माइनस आर, वाई भी हो जाएगा बी अपॉन वन माइनस आर, मतलब ए अपॉन वन माइनस आर, जेड सी अपॉन वन माइनस वन अपॉन आर, कॉमन रेशियो ए फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर, तो ए अपॉन वन माइनस आर अपना सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। एक्स वाई अपॉन जेड पूछा है, तो ए आर अपॉन आर माइनस वन, बी आर अपॉन आर प्लस वन, सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस, कर दो मल्टीप्लाई। एक्स इंटू वाई क्या होगा, ए बी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस, और एक्स वाई अपॉन जेड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी अपॉन सी, ए बी अपॉन सी, ए इज द करेक्ट आंसर। इन अ जीपी फर्स्ट टर्म इज वन, फर्स्ट टर्म वन है, कॉमन रेशियो हम आर मान लेते हैं, तो ये जीपी हो गई हमारी। ए फोर टी टू प्लस फाइव टी, फोर टी टू मतलब फोर आर, फाइव टी थ्री मतलब फाइव आर स्क्वायर, अगर ये मिनिमम है देन इट्स कॉमन रेशियो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होती है, माइनस बी बाई टू है क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस फोर अपॉन टेन माइनस टू बाय, डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं लेकिन अपन ने क्वाड्रेटिक अगर पढ़ा है तो क्वाड्रेटिक में माइनस बी बाई टू से डायरेक्ट आ जाएगा कि आर, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी माइनस बी बाई फोर है, वो नहीं पूछा, बस बोला है कि कब मिनिमम है, तो कॉमन रेशियो निकालो आर इक्वल टू माइनस बी बाई टू। लेट एस वन एस टू एस थ्री एंड टी वन टी टू टी थ्री आर टू अर्थमेटिक सीक्वेंसेस सच दैट एस वन इक्वल टू टी वन, पहला टर्म सेम है इनका, एंड एस टू बराबर टू टी टू, दूसरे टर्म में ये रिलेशन, ये टी वन टी टू टी थ्री, एंड सम सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म्स ऑफ एस सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ फिफ्टीन टर्म्स ऑफ टी सीरीज, देन द वैल्यू कर लेते हैं भाई। पहला टर्म सेम है, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं इसका, डी वन मान, और उसका भी फर्स्ट टर्म सेम है, ए प्लस डी टू ए प्लस टू डी टू, ऐसे मान, पहला टर्म तो सेम हमने माना ही है। एस टू बराबर, एस टू मतलब ए प्लस डी वन बराबर टू टाइम्स डी टू, टू ए प्लस डी टू, यहां से आ गया डी वन बराबर ए प्लस टू डी टू, ठीक है, डी वन बराबर ए प्लस टू डी टू, ये रिलेशन आ गया डी वन और डी टू। अब D1 D2 A में एक रिलेशन आ गया, अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, 10 टर्म्स का सम, तो 10 बाई 2 टू ए प्लस 10 माइनस 9 इंटू डी वन बराबर 15 बाई 2 टू ए प्लस 14 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा D2, ये D2, ठीक है भाई, तो ये हो गया 5 इंटू टू ए प्लस नाइन डी, ये हो गया हमारे पास 10 ए प्लस 45 डी वन बराबर इधर 15 ए प्लस 105 डी टू, पांच से भी उड़ाई दो इसको, ये तो हो गया पहले 5 ए इधर लिख देते हैं, 5 से उड़ा दो इसको, तो 9d1 बराबर a प्लस 21d2, ठीक है, ये एक रिलेशन और आ गया, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे d1 d2 में भी रिलेशन आ जाएगा। खैर ये दोनों तो रिलेशन है ही, हमें पूछा क्या है वो देख लेते हैं, s2 माइनस s1 कितना है d, t2 माइनस t1 कितना है d2, t2 माइनस t1, हमें d1 अपॉन d2 पूछा है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 8d1 बराबर 19d2,
डी वन अपॉन डी टू कितना आ गया, 19/8, 19/8 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इफ 1 + 3 + 5 एन टर्म्स तक, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का सम होता है एन स्क्वायर, फिर 4, 7, 10 इसको लिख देते हम लोग एन बाई टू, 2a + n-1 इंटू डी 3। ये हमें दिया हुआ है 20/7 log x, बेस 10 लिख नहीं रहे वो अज्यूम कर, ये कैंसिल हुआ, तो उधर जाके ये 10 हो जाएगा, n अपॉन 3n + 5 इज इक्वल टू 10/7 log x, ये हमें दे दिया। और n की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ से ये जीपी है, सॉरी जीपी नहीं, log x कॉमन ले ले, क्या बनेगा अंदर 1 + 1/2 + 1/4 इनफाइनाइट जीपी, तो ये हो जाएगा a/1 - r, तो ये हो गया 2 log x। n बराबर कितना है 2 log x रख देते हैं, n बराबर 2 log x रख दो, या log x को n/2 रख दो, log x को रख देते हैं n/2, ये हो गया 7n² = 60n + 100, 7n² - 60n - 100, n निकालना है 700, फैक्टर बनाइए 60 आ जाए, अगर हम n को log x की टर्म में रखते तो सीधे सीधे log x भी आ जाता है ना, तो उससे सीधे x आ जाता, कोई बात नहीं, इसको कर लो 700, 7 × 100 = 25 × 4 × 7, हाँ भाई 5, 20, 7 बन रहे कोई फैक्टर, अट्ठाईस 25 नहीं 60 चाहिए ना, ऐसे ही कर लो -b + -b² - 4ac/2a, कहाँ फैक्टर सोचते रहेंगे हम लोग, कितना हो गया ये 64, 80 आ गया, 60 + 80/14, 60 - 80 तो होगा नहीं, तो ये हो गया 10 ही आ रहा था, तो 70 और 10 से बन जाते फैक्टर, चलो ठीक है 10 आ गया, एन कितना आ गया 10 आ गया, एन 10 आ गया तो log x 5 आ गया, x कितना हो गया 10^5, ठीक है log भी इसमें मिक्स कर दिया, इनफाइनाइट जीपी का वैसे सवाल। इफ a इज इक्वल टू 1, a 1 दे दिया हम, a इज नॉट इक्वल टू, है ना, तो ये ln a स्क्वायर, ये देख लेते हैं क्या बन रहा है प्रॉपर्टी लगा के, 2 बाहर आया तो 2 ln a, प्लस यहां से ये 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4 ln a का स्क्वायर, फिर इधर हो जाएगा ये 2 3 8 ln a³, ये दिया हुआ है हमें, और इधर 3 times ln a + ln a² + ln a³, है ना, a की वैल्यू इनफाइनाइट जीपी है तो कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा, अपन मान के चलते हैं, तो ये जीपी तो है a/1 - r = 3 times a/1 -, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 - 2t = 3 - 6t, 4t = 1, t कितना आ गया 1/4, t हमने ln a को मान लिया था बिना बोले, a कितना आ गया e^4√e, ठीक है भाई, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, इफ a1 a2 आर इन डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ एन ap देन, तो देखो ये तो स्टैंडर्ड ap की प्रॉपर्टी है कि बिगिनिंग और एंड से a1 + a3 = 2a2 होगा, b करेक्ट हो गया, फिर a1 + a5 जो होगा वो a2 + a4 के बराबर होगा, और वो ट्वाइस ऑफ a3 होगा, सबको अपन k रख देते हैं, ये हो गया k - 4k + 6 times k/2, तो -3k + 3, ये भी क्या आ गया 0, बाकी ये तो होगा नहीं, रख के देख सकते हैं आप, है ना,
तो इसका आंसर आ गया हमारे पास बी एंड डी। फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस आपको दे दी 1/16 ए बी 1/6 आर इन ज्योमेट्री, लास्ट थ्री टर्म्स आर इन हार्मोनिक, तो कंडीशन लगा तो ये जीपी है तो ए स्क्वायर बराबर बी बाय 16, ये एचपी है तो बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस, यहाँ से ये कितना हो गया 2a अपॉन ए प्लस 6। रख दो a की वैल्यू रखें या b की वैल्यू रखें, b रख देते हैं तो 16a स्क्वायर बराबर b कितना हो गया 2a अपॉन a प्लस, तो a तो उड़ा दो, gp का कोई टर्म जीरो हो नहीं सकता, ये हो गया 8a स्क्वायर प्लस 48a बराबर 1, a आ जाएगा यहाँ से तो माइनस 8 48 48 आ रहा। तो करो सॉल्व और क्या, 6a प्लस 1 है ना, यहाँ गलती कर ये। ये कितना हो जाएगा b बराबर 2a अपॉन 6a प्लस 1, वो रख देते हैं यहाँ, तो 16a स्क्वायर बराबर 2a अपॉन 6a प्लस 1, तो ये गया 8a टाइम 48a स्क्वायर प्लस 8a माइनस, तो 48 आ गया, 12 और 4 हो जाएंगे प्लस 12a माइनस 4a माइनस, ये हो गया 4a प्लस 1 और 12a माइनस, ठीक है, a की वैल्यू हो गई माइनस 1/4 या 1/2। हाँ जी, अब a को माइनस 1/4 इसमें रखो तो b आ जाएगा, सारी चीजें आ गई, मल्टीपल करेक्ट है ही सही, तो a माइनस 1/4 आ रहा है इसमें, b निकाल लेंगे उस टाइम 1 आ जाएगा, और 1/12 आ रहा है इसमें, b निकाल लेंगे वो 1/9 आ जाएगा, तो बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, a की वैल्यू रख के b निकाल लेंगे दो बार, ठीक है। हाँ जी, तीन नंबर्स ए बी सी हैं, 2 और 18 के बीच में सच दे, इनका सम आपको दिया हुआ है आपको 25, 2ab आर इन ap तो 2a बराबर b प्लस 2, bc 18 आर इन gp तो c स्क्वायर बराबर 18, है ये हमें दिया हुआ, तीन इक्वेशन तीन अननोन है, ऐसे कर लो या कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस मान के भी कर सकते थे, जैसे a 2ab आर इन 2ab c और 18 है ना, तो 2ab आर इन 18 तो 2 2 प्लस b 2 प्लस 2b, और फिर ये gp में है तो वही अननोन तो दो तो रहेंगे ही, अपन इसी को सॉल्व कर लेते, b की वैल्यू क्या आई c स्क्वायर बाय 18, a की वैल्यू क्या आएगी b प्लस 2/2, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 36 अपॉन 30, a b सब c के टर्म में आ गए तो c स्क्वायर प्लस 36 अपॉन 36 c स्क्वायर बाय 18, ये हो गया हमारे पास c स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2c स्क्वायर प्लस 36c 3c स्क्वायर प्लस 36c प्लस 36 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 20 3 से उड़ा दो, तो 24 और 12 ही तो हो गए फैक्टर, c प्लस 24 c माइनस 2, c की वैल्यू 12 आ गई या माइनस 24, दो आंसर आ सकते हैं भाई, जैसे c 12 रखेंगे तो 25 144 180 बटा 36 5, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी लिख दो आप, है ना, क्योंकि देन है ना तो कैन बी करें, तो c 12 रखने पर a 5 आ रहा है, ऐसे b आ जाएगा, b है c स्क्वायर बाय 18 144/18 8 आ जाएगा, b प्लस c बी 8 सी 12 20 आ जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी तो दिया ही है उसने 25, इसमें क्या ही करना है ना, तो ऐसे आंसर आ, कैन बी करेक्ट पॉजिटिव वाला लिया, ठीक है भाई। कंसिडर एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर
इफ द सम इज फोर एंड द सेकेंड टर्म इज 3/4 देन ए और ए आर स्क्वायर ये अपनी इनफाइनाइट जीपी हो गई, सम इसका 4 है और सेकेंड टर्म ए आर जो है वो 3/4, दो इक्वेशन दो अननोन, 4 माइनस 4 आर, तो आर की वैल्यू लिख दो, 4R कितना हो जाएगा 3/8 ए स्क्वायर प्लस 3A, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 4A प्लस 3, ए बराबर आ गया 1 या 3, ए 1 लेंगे तो R आ जाएगा हमारे पास 3/4, ए 3 लेंगे तो R आ जाएगा 1/4, तो क्या क्या ऑप्शन करेक्ट है, ए 1 ए माइनस 1 ए माइनस, सही तो है, ए 3 आर 1/4 ये आ गया एक, और ए 1 आर 3/4 ये तो है ही नहीं, क्या गड़बड़ कर दी, 4 माइनस 4 आर को रख दिया 3/8, सही तो है, ए स्क्वायर माइनस 4A प्लस 3, ए माइनस 1 ए माइनस, एक ही आंसर है फिर इसमें, है ना, मल्टीपल करेक्ट है लेकिन एक ही आंसर, देखो सब में सेकंड टर्म तो 3/4 आ रहा है, इसका इनफाइनाइट जीपी का सम निकालें तो ये आ रहा है 3/1, हमें क्या दिया हुआ है 4, ये गलत हो गया, ए अपॉन 1 माइनस आर ये हो जाएगा हमारे पास 2/5/8, ये भी गलत आ गया, ए अपॉन 1 माइनस आर 7/4 × 7 ये भी गलत आ गया, तो तीन ऑप्शन गलत है, एक ही करेक्ट है अपना, है ना, डी वन, ठीक है, दूसरा आंसर होता है 1 और 3/4, ठीक, हाँ इस सवाल में आपको एक कंडीशन दी हुई है ए के माइनस वन ए के माइनस टू है ना, इसको अगर हम ऐसे लिख दें इससे डिवाइड कर देते हैं ए के माइनस टू ए के माइनस वन 2/a × a k-1 बराबर 1/ak + 1/ak-, तो किस में आ गए, HP में आ गए, 1/ak-2 1/ak-1 1/ak, ये AP है, इसका रेसिप्रोकल HP में हो जाएगा, ठीक है ना, अब आपको बोला है कि फर्स्ट टर्म 1 है और सम ऑफ रेसिप्रोकल AP का ही सम ऑफ P टर्म्स दिया हुआ है, तो ये S2P जो है वो P टर्म्स AP का सम है, 2P/2 2 times फर्स्ट टर्म प्लस 2P-1 × D P/2 प्लस P-1, इसने बोला डज नॉट डिपेंड ऑन पी, तो ये गया 2 times 2/a1 - d + 2pd 2/a1 - d + pd, तो अगर ये डिपेंड नहीं करता तो दो चीजें हो सकती है, या तो d बराबर 2/a1 हो जाए या फिर d बराबर 0 हो जाए, d 0 होगा तो भी डिपेंड नहीं करेगा p पर, और ये बराबर हो जाए तो p से p कट जाए, ठीक है, तो 1/2016 टर्म कौन सा होगा, पहला टर्म 1 दे रखा होगा, तो d बराबर या तो 2 है या 0 है, तो d बराबर 2 है तो 2016 टर्म निकाल लेंगे हम लोग, पहला टर्म 1, 3, 5 तो 2n-1 है ना, तो n बराबर 2016 रखा तो ये हो गया 4031 आ गया, और अगर d 0 है तो सारे टर्म ही 1, 1, 1 है तो b आ जाएगा, ठीक है भाई, इफ ए के प्लस वन अपॉन ए के इज कॉन्स्टेंट एंड एन ग्रेटर देन, देखो इसका क्या मतलब है कि इंक्रीजिंग है और इसका क्या मतलब है जीपी है, तो इंक्रीजिंग जीपी को बोला उसने, पहले और आखिरी टर्म का सम 66 है और पहले और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट ही लिख दो इसमें, क्योंकि बिगिनिंग और एंड से प्रोडक्ट सेम होते, तो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है पहले और आखिरी टर्म का, a1 + an = 66 a1 an = 128, तो सॉल्व कर लो आप,
66 माइनस A1 रखें, वैसे देखकर भी पता लगा सकते हैं, दो नंबर का सम 64 और 2 आएगा, इंक्रीजिंग जीपी है, A1 बराबर 2, An बराबर 64। कॉमन रेशियो मान लेते हैं R, तो 2R पावर n माइनस 1 बराबर 62, तो R पावर n माइनस 1 बराबर कितना होगा 32। अब और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स मतलब ए फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन बराबर 120। आर पावर एन कितना हो गया 32, आर लिख दो, तो ये हो गया 2 × 32 आर माइनस वन बराबर 126 आर माइनस 120। 32 आर माइनस वन बराबर 63 आर माइनस 60, ये हो गया 62 बराबर 31 आर, तो आर कितना हो गया 2 हो गया, आर 2 हो गया, एन बराबर 6 हो गया, कॉमन रेशियो आ गया 2 और एन बराबर आ गया 6। ठीक है भाई, द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल फॉर्म अ जीपी द टेंजेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, है ना, तो ये मान लेते हैं ए ए आर ए आर स्क्वायर, आर वन से बड़ा मान रहे ताकि अपन हाइपोटेन्यूज को सबसे बड़ी साइड बोले, तो आर ये बढ़ती हुई जीपी है तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो टेन थीटा पूछा आपसे, टेन थीटा कितना हो गया ए अपॉन ए आर, वन अपॉन आर हो गया, टेन थीटा वन अपॉन आर हो गया, तो और वो लगा दो आप पाइथागोरस थ्योरम, आर पावर फोर माइनस आर स्क्वायर माइनस, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 1+√5, पॉजिटिव लेना है, इसका रूट ले लो, रेसिप्रोकल कर लो, ये आ गया 1/√5+1, एक तो ये आंसर हो जाए, रेशलाइज कर लोगे तो ये आ जाएगा √5 − 1/2, √5 − 1, बी और सी इसका करेक्ट आंसर। इफ बी वन बी टू बी थ्री बी आई पॉजिटिव है सारे सक्सेसिव टर्म्स ऑफ इज जीपी विद कॉमन रेशियो आर देन द, तो बी थ्री ग्रेटर देन 4b2 − 3b1, तो अपन इसको बोलते बी आर स्क्वायर, बी आर माइनस पॉजिटिव है तो बढ़ा दो, आर स्क्वायर माइनस 4r + 3 ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, आर ग्रेटर देन 3 आ गया, आर 3.5 भी हो सकता है, 0 से 1 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है, 1 से छोटा लेंगे, अच्छा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव है भी नहीं किसी ऑप्शन में, अपन बोले 0 से 1 पॉजिटिव है ना, क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव, तो ये सारे आ जाएंगे, चारों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इफ ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए पावर 2017 बराबर 2a − 1 और 1+a+, ये तो जीपी है, ये सम तब है जब ए इज नॉट इक्वल टू 1 और जब ए 1 होगा तो सम कितना हो जाएगा 2017, दिन तो पॉजिटिव है तो एस तो एक तो 2017 ही आ गया, और अगर इसको यूज करें 2a − 1 रख दे उधर ये 2 आ जाएगा, तो अगर ए 1 नहीं है तो आंसर 2 है, अदरवाइज 2017 है, ए अगर 2 1 के बराबर ले लोगे तो आंसर 2017। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, बस अपन को तो चेक, इक्वल नंबर्स आर ऑलवेज इन एपी जीपी एंड एपी, ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो नहीं लिखा, देखो इक्वल नंबर्स में अगर 0 0 0 लोगे तो एपी तो होगा पर जीपी एचपी नहीं होगा, तो ये गलत होगा, इफ एबीसी आर इन एचपी देन ए माइनस b/2 b/2 c − b/2 विल बी इन एपी, तो ये तो बताया गया है होगा कि अगर तीन टर्म एचपी में है, बीच वाले का आधा तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो जीपी बन जाती है, जीपी बन जाती है, ये एपी लिखा हुआ है, तो ये भी गलत होगा। इफ g1 g2 आर टू ज्योमेट्रिक मींस एंड a इज द अर्थमेटिक मीन, तो a g1 g2 b ये जीपी हो गई और ए ए बी ये एपी हो गई, तो g1 स्क्वायर कितना होगा ए g2 स्क्वायर कितना होगा बी g1
ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी किसके बराबर होगा, टू ए के बराबर होगा, तो ये करेक्ट हो गया इसके, सी सही हो गया। लेट जनरल टर्म ऑफ ए जीपी विद पॉजिटिव टर्म्स विद कॉमन रेशियो आर बी टी के प्लस वन एंड जनरल टर्म ऑफ अनदर जीपी विद पॉजिटिव रेशियो, कॉमन रेशियो दोनों का आर है और कॉमन रेशियो अगर सेम है तो दो जीपी का सम भी एक जीपी होता है विद सेम कॉमन रेशियो आर, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो सी और डी इसका करेक्ट आंसर है। इफ द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन, ए प्लस बी बाई टू जो है वो टू टाइम्स रूट ए बी है, तो ये हो गया हमारे पास रूट ए बाय बी प्लस रूट बी बाय ए, ए बाय बी ही तो निकालना है, तो ये हो गया टी, इसको टी मान लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस वन, ये हो गया टू प्लस रूट थ्री या टू माइनस रूट थ्री, रूट ए बाय बी आया ही, देखो ए बी से बड़ा है तो वन से बड़ा लेंगे हम लोग, ए बाय बी कितना आ गया सेवन प्लस फोर रूट, सेवन प्लस फोर रूट थ्री, आप इसको रेशलाइज करोगे तो यही आ जाएगा, ये टू प्लस रूट थ्री टू माइनस रूट थ्री, ये टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर अपॉन वन, ये भी सही है, इसको रेशलाइज करोगे ये भी आ जाएगा, ए बी सी इसके करेक्ट आंसर, मतलब रेशियो निकालें उसके बाद तो ऑप्शन मैच कर सकते। हाँ जी देखिए, आर आर प्लस वन टू आर प्लस थ्री का समीशन हमें दिया हुआ, तो इसको तो सॉल्व कर लो आप, है ना, ये वी एन मेथड में तो बन नहीं पाएगा, बना तो सकते हो, टू आर है ना, लेकिन तो छोड़ो आप तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये टू आर क्यूब प्लस फाइव आर स्क्वायर प्लस थ्री आर, सबका सम लिख देते हैं, एन टर्म्स का सम है, एन एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स और एन एन प्लस वन बाय, सब में से एन एन प्लस वन बाय टू ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास बन जाएगा एन इंटू एन प्लस वन प्लस फाइव इंटू टू एन प्लस वन बाय थ्री प्लस थ्री एन एन थ्री आ जाएगा ना, प्लस थ्री, अब देखो पूरा मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि इसमें जो जो पूछे ए बी ऐसे पूछा तो ए बी निकालना पड़ेगा, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टेन एन प्लस फाइव प्लस नाइन, ये हो गया थ्री एन स्क्वायर प्लस थर्टीन एन प्लस फोर्टीन एन एन प्लस वन बाय टू, ये आ रहा एन एन प्लस वन बाय टू कॉमन, एन एन प्लस वन बचा फाइव इंटू टू एन प्लस वन बाय थ्री और थ्री, थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन टेन एन प्लस फाइव प्लस नाइन अपॉन थ्री भी है, ये आ जाएगा अपॉन थ्री। हाँ भाई अब ये मैच करने हैं, ई जीरो है क्या, कॉन्स्टेंट टर्म तो जीरो आएगा, चलो भाई ये सही होगा, ए बी माइनस ए, अब ये तो निकालना पड़ेगा, ए मतलब एन की पावर फोर का कोफिशियंट, एन स्क्वायर एन स्क्वायर कितना आएगा, एन स्क्वायर का एन की पावर फोर का कोफिशियंट ऊपर थ्री है नीचे थ्री है, तो ए तो कितना आ गया वन बाई टू, ऐसे कोफिशियंट ढूंढ लो आप, बी एन क्यूब, एन क्यूब कैसे मिलेगा भाई हमें, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एन स्क्वायर प्लस एन इन टू थ्री एन स्क्वायर प्लस थर्टीन एन प्लस फोर्टीन डिवाइड बाई थ्री, एन पावर फोर तो दिख गया, ए हो गया वन बाय टू, एन क्यूब, एन क्यूब कैसे मिलेगा थर्टीन प्लस थ्री है ना, एन क्यूब एन स्क्वायर इंटू एन थर्टीन हो गया, फिर और एन स्क्वायर इंटू एन थ्री, थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन अपॉन सिक्स, सी सी क्या है एन स्क्वायर का कुछ, तो एन स्क्वायर इधर मिलेगा फोर्टीन और फिर एन स्क्वायर इधर फोर्टीन के फोर्टीन और एन इंटू एन फोर्टीन और थर्टीन ट्वेंटी सेवन बाई सिक्स, ठीक है, डी एन का कोफिशियंट, एन का कोफिशियंट एन के साथ फोर्टीन मिलेगा बस फोर्टीन, अब ये सारे आ गए, ई जीरो हो ही चुका है,
अब ऑप्शन चेक कर लो भाई, ए प्लस सी, ए प्लस सी कितना है, 1/2 प्लस 27/6, 9/2 आ गया। तो ए प्लस सी कितना आ गया, 5, और बी प्लस डी कितना होगा, बी प्लस डी 16 10 26 34/5, ये करेक्ट आएगा। ए प्लस सी बराबर बी प्लस, ए बी माइनस 2/3, 1/2, बी माइनस 2/3 कितना होगा, 8/3 माइनस 2/3, 6/3, 2, और सी माइनस 1, सी में से एक माइनस किया तो 4.5 में से एक गया तो 3.5, 7/2। क्या ये एपी में है, बिल्कुल एपी में, ये भी करेक्ट होगा। सी बाय ए इज एन इंटीजर, सी डिवाइडेड बाय ए कितना रहा, 9 आ रहा है, ये भी सही है, चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे। करना कुछ नहीं, मेहनत वाला काम है, सम निकाल के ए बी सी डी निकाल के वैल्यू चेक करना। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉजिटिव इफ, रूट्स पॉजिटिव दिए हुए आपको, तो देखो सिर्फ सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो अगर इन चारों का एम निकालेंगे तो वो आएगा 2, जी एम निकालेंगे वो भी कितना आएगा 2, एम जी एम बराबर आ गए, मतलब सारे नंबर बराबर है, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब 2 है, तो ए कितना हो जाएगा, समीशन अल्फा बीटा, दो दो करके सम, 6 टर्म आएंगे तो 4 × 6 = 24 हो गया। बी क्या होगा, समीशन अल्फा बीटा गामा, 8 4 कितनी बार जोड़ना है, 4 बार, 8 × 4 = 32, ए 24 और बी 32 आ जाएगा, ठीक है। ए एम जी एम वाला कॉन्सेप्ट इसमें हमने यूज किया, हाँ भाई, ए वन ए टू ए थ्री और बी वन बी टू बी थ्री, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सच दैट, पहला टर्म दोनों का 25 है और उसका 75 है, ए 100 प्लस बी 100 100 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो एक एपी है हमारे पास 25 25 प्लस डी 1 25 प्लस डी 2 ऐसे करके, दूसरी एपी है हमारे पास 75 75 प्लस डी 2 75 प्लस 2 डी 2, ये 2 डी 1 है ना, ऐसे करके। अब आपको ए 100 प्लस बी 100 दिया होगा, ए 100 कितना होगा, 25 प्लस 99 डी 1, बी 100 75 प्लस 99 डी 2, ये तो 100 दिया हुआ है, तो 100 तो कट गया, डी 1 प्लस डी 2 कितना आ गया, 0 आ गया। पहला ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स इन प्रोग्रेशन, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो ए वाली सीरीज का अपोजिट है बी वाली सीरीज से, सही बात है, डी 1 प्लस डी 2 0 है, एडिटिव इनवर्स होगा। ए एन प्लस बी एन क्या आएगा, हमेशा ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 डी 1, बी 1 मतलब बी प्लस एन माइनस 1 डी 2, तो यहां से हो गया ए प्लस बी प्लस एन माइनस 1, डी 1 प्लस डी 2 तो कितना है, 0, ए प्लस बी मतलब वही पहला टर्म दोनों का, तो 25 75 100 आएगा, ये भी करेक्ट होगा। ए वन प्लस बी 1, ए टू प्लस बी 2 सब 100 100 100 है, इक्वल टर्म्स एपी में होते हैं, ये भी करेक्ट आएगा, और 100 को 100 बार जोड़ोगे तो 10,000 मिलेगा, ये भी करेक्ट आएगा, तो इसके चारों ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मैच द कॉलम है ये, द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 49, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, तो देखो ये कितने 1 3 5 से लेके 50 टर्म है, तो एक्स की पावर 50 माइनस फिर एक्स की पावर 49 ऐसे आए, और इधर क्या आएगा, एक्स की पावर 49 का कोफिशियंट सम ऑफ रूट्स, तो 1 प्लस 3 से लेके 99, 50 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, 2500 होगा, बाहर माइनस साइन है तो माइनस 2500, पी मैच करेगा 1 से, पी एक ही ऑप्शन में 1 से मैच कर रहा है, सवाल तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और आपको दिया हुआ एस टू एन बराबर 3 SN, और हमसे पूछा एस थ्री एन अपॉन एस, तो देखो टी वन टी टू से लेकर हम ऐसे लिख देते हैं टी टू एन, आपको बोला इस पूरे का सम जो है वो इसका एन टाइम, ये अगर ये वाला टर्म अगर एस एन है, ये पूरा 3 SN है, तो ये कितना बचा, 2 SN, और ऐसे अगला एन टर्म्स का क्या हो जाएगा, 3 SN, एस थ्री एन कितना हो गया, 3 × 2 = 5 × 1 = 6 SN/SN, 6 आना चाहिए, तो Q वाले का 6, 4 हो जाएगा, Q का 4, R का 2, समीशन 1/R² - 1,
वन अपॉन आर माइनस वन माइनस वन अपॉन आर प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं इसको वी एन मेथड से। और अब कितने टर्म का बोला हमसे, टू से लेके इन्फिनिटी तक, इनमें डिफरेंस दो का है, तो समीशन जब हम करेंगे टू से इन्फिनिटी तक, दो का डिफरेंस है तो इन्फिनिटी में तो यहाँ पे रखोगे आप दो टर्म जीरो जीरो बन जाएंगे, टू और थ्री इसमें रख देंगे वी एन मेथड, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन थ्री, थ्री पर टू आ जाए, ये आ जाएगा थ्री बाय टू, कितना आ गया थ्री बाय फोर आ गया, थ्री बाय फोर थर्ड, आर का थर्ड, टू दे रखा नहीं, आर का थर्ड होगा, आर का थर्ड होगा थ्री बाय फोर। नेक्स्ट द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन जीपी और वॉल्यूम, जीपी में है तो ऐसे मान लो ए बाय आर ए ए आर क्यूब, वॉल्यूम इनका क्यूब ही तो होता है, इनका प्रोडक्ट ही तो होता है, ए कितना आ गया तीन आ गया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है तो ए बी जैसे इस तरह का क्यूबॉइड है, ना ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी, इसका सरफेस एरिया ए बी, सामने वाले का भी ए बी है ना, फिर बी सी क्यूबॉइड है ना, ये रेक्टेंगल का सरकमफेरेंस बोला उसने, तो क्या बोला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया ए बी, ए बी कितना हो जाएगा टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी सी तो हमने ये मान ही रखे थ्री थ्री आर, ये हो जाएगा हमारे पास 78 दे रखा, ये हो गया 39 बराबर ए बाय आर इंटू ए, तो ये कितना हो गया 9 बाय आर, 9 आर और ये 9, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये कितना दिया 39, तो ये हो गया 30 बराबर 9 आर प्लस 9 बाय आर, 10 बराबर 3 आर प्लस 3 बाय आर, 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3, तो आर की वैल्यू आ गई 3 या 1 बाय, बढ़ते हुए क्रम में लेना है हमें, तो 3 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 139, ठीक है। तो क्या पूछा हमसे है, लेंथ, लेंथ 9 हो जाएगी, सबसे बड़ी साइड 9 है, तो एस का 2, 9 इसका आएगा 2 एस का, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है, आर को 3 कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मैच द कॉलम है, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज 15/2 और 18/5 अकॉर्डिंग एज द सीरीज आर इन एपी और इन एचपी, ए ए एक्स वाई जेड बी, अगर एपी में है तो एक्स वाई जेड है 15/2 और अगर ये एचपी में है तो एक्स वाई जेड है 18/5। तो देखो आखिरी और पहला और आखिरी टर्म एपी और एचपी का सेम सेम है, और जब ऐसा होता है तो हम ये बोलते हैं कि बिगिनिंग और एंड से जो इक्विडिस्टेंट टर्म है वो बराबर होते हैं, इसको ऐसे समझिए आप, प्रूव ही कर देते हैं, अगर ये एचपी है ये किसमें हो जाएंगे एपी में, इसको मैं एबी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भी ये एपी रहेगी, और अब इसको उल्टा करके लिख देंगे तो भी ये एपी रहे, अब ये दोनों एपी हो गई सेम, मतलब ये टर्म ही सेम हो गए, ए बी बाय जेड किसके बराबर है एक्स के, ए बी बाय वाई किसके बराबर है वाई के, और ए बी बाय एक्स किसके बराबर हो जाएगा जेड के, तो बिगिनिंग और एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म का सब, अच्छा ठीक है भाई, एक्स वाई जेड आपको क्या दिया हुआ है 15/2 और ये एक्स वाई जेड ये अलग है ना, ये दूसरी एपी आ गई एक्स डैश वाई डैश जेड, इधर डैश लगा दे कन्फ्यूजन ना होता है, एक्स वाई जेड अलग अलग है भैया ना, वो एक्स वाई जेड है ये एक्स डैश वाई डैश मान, तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा एक्स इंटू, ये दोनों बराबर ए बी बाई जेड डैश और ए बी, तो एक्स इंटू जेड डैश बराबर ए बी, y इंटू वाई डैश बराबर ए बी, जेड इंटू एक्स डैश बराबर ए बी, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये हो गया ए बी का क्यूब,
ये हो गया 15/2 इंटू 18/5, कितना 27 आ गया। तो AB का क्यूब 27 आ गया, तो AB 3 आ गया। अब AB 3 आ गया तो क्या बोला आपको, एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक 1 होगा, एक 3 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ए प्लस बी 4 आ जाएगा, ए प्लस बी 4 आ जाएगा, तो पी का 4 आ गया, पी का 4 इसमें हो गया ना। अब बाकी ऑप्शन अपन देख लेते हैं, सॉरी पी का कौन सा सवाल आ गया, पी का 4 आ गया। क्यू द वैल्यू ऑफ दिस, तो देखो ये 2^1/4, इसको लिख देते हैं 2^2/8, ये हो जाएगा 2^3/16, ऐड कर दो सबको, 1/4 + 2/8 + 3/16, ये एक AGP है, इस AGP को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वन बाई टू प्लस 2/4 + 3/8 + 4/16, तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये एस है, एस बाई टू इनफाइनाइट है वैसे भी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/8, तो ये हो गया 1/2 / 1 - 1/2, 1 आ गया, एस कितना आ गया 2 आ गया, तो ये हो गया 2^2, 4 आ गया, तो क्यू का भी 4, टू वन आ रहेगा, एस माइनस एस बाय टू, 1/2 + 1/4 + 1/8, ए अपॉन 1 - 1 आ गया, तो 2^2 तो 2 आ रही है, 4 आ रहा है। चलो एक बार ये भी देख लेते हैं, फिर आंसर तो होता रहेगा। एक्स वाई जेड, 2y = कितना होगा, एक्स प्लस जेड, तो ये हो गया एक्स प्लस जेड माइनस, फिर से 2y = x + z और z + x = 2, तो ये हो गया 2x, 2z और y, तो k फिर से 4 आ गया, आंसर ही गलत है भाई, p4 q1 r4 है, q का 1 गलत है क्योंकि ये 2^2 में है, ऊपर इनफाइनाइट जी की, अच्छा 1/4 से स्टार्ट है, मैं यहाँ पर फिर से करता हूँ, 1/4 + 2/8 + 3/16, हाँ मैंने 1/2 से स्टार्ट की थी ना ये, हाँ फिर तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 + 1/8, ए अपॉन 1 - हाँ, तो एस बराबर 1 आ गया, 2^1 = 2, सही है भैया। देयर आर एम अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 31, द रेशियो ऑफ द 7th and m-1 मीन, एक सवाल बचा है इसमें, वो कर लो, ऐड कर देते हैं, को हटा ही दे देना, किसी और पेज पे इसको हटा दे। इधर ही कर देते हैं, लेकिन एम अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1 and 31, तो देखिए वन ए वन ऐसे करके ए, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 31 - 1 / m+, ये हो गया। अब आपको सेवंथ मीन बोला है,
सेवंथ मीन क्या होगा, 1 + 7d। और m माइनस वन कौन सा होगा, देखो am कौन सा है, 31 - d, तो ये होगा 31 - 2d, ये 5/9 दिया है। इसको सॉल्व करके हम लोग d क्यों ना निकाल लें, तो d आ गया 73d = 146, तो d आ गया 2, d 2 को यहाँ रख दो, m प्लस 1 बराबर 15, m कितना आ गया 14, m बाय 7 2 हो जाएगा, तो s का भी बना 14/7 2 है ना, तो थोड़ा जगह नहीं थी इसलिए यहीं कर दिया। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे सॉल्यूशन, ठीक है।